हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों को वापस एक मक्का की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मक्का की रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। इसीलिए मैं आज इसकी वापस आपको एक रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने वही कच्चे मक्का लिए हैं, सिट्टे लिए हैं, और इन सिट्टों को मैंने छील लिया है और एकदम से ये कच्चे हैं, दूध वाले सिट्टे हैं ये। अब इनको मैं सबसे पहले ग्रेट करूँगी। इस कद्दूकस से हमें इनको बारीक बारीक वाले से ग्रेटर कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको आगे की इसकी रेसिपी बताती हूँ। इन सिट्टों को इस तरीके से पहले ऊपर ऊपर से इनके दाने निकालने की आवश्यकता नहीं है, और इनको अच्छे तरीके से हम ग्रेट है वो कर लेंगे। इनका जितना भी कच्चापन है वो हमारा ग्रेट होके और इसके अंदर आ जाएगा। ये कच्ची मक्का मैंने पूरी ग्रेट कर ली है। अब ये ग्रेट करने के बाद में इस लिक्विड फोम के अंदर हमारी आ जाती है, बिल्कुल उस तरीके से लग रही है जैसे हम दाल को पीस के दाल का पेस्ट बनाते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है। इसमें मिक्सी वगैरह में डालने की इसको आवश्यकता नहीं है। अगर आप साबूदाने लेते हो तो उसके बाद आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई है ये फुल फ्लेम पे रखी है अभी। अब इसके अंदर मैं एक कटोरी घी है वो इसके लिए डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से गर्म हो सके घी। लेकिन जब हम इसको डालेंगे तो इसको बहुत ही कम आँच के ऊपर, एकदम सिम गैस के ऊपर, और इसको धीरे धीरे फ्राई करेंगे। अगर घी की आवश्यकता हमें और लगेगी तो हम इसमें और डाल सकते हैं। ये दिवाली के ऊपर आप ये स्पेशल मिठाई बनाएं और सबको खिलाएं तो आपकी काफ़ी तारीफ़ की जाएगी। साथ ही ये कितनी हेल्दी है ये तो आपको पता ही है कि मक्का हमारे लिए कितनी हेल्दी है। ये फुल प्रोटीन युक्त हमारी स्वीट है वो बनके तैयार होती है, इसलिए आप इसको घर में ज़रूर एक बार बना के ट्राई करना। फेस्टिवल पे बनाओ चाहे किसी भी अवसर के ऊपर बनाओ। अब ये हमारा घी गरम हो गया है, इसके अंदर मैं ये हमारा मक्का का पेस्ट है वो डाल के और इसको हल्के से फ्राई करती हूँ इस तरीके। जब इसको डालते हैं तो इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। ये देखिए, ये तीन सिट्टे में हमारा आधा किलो मक्का है वो बनके तैयार हुआ है। मक्का आधी कटोरी हमने ये कांदू टुकड़ी लिए और काट के इनके थोड़े छोटे छोटे पीस है वो बना के तैयार कर लेंगे। और एक चम्मच मैंने ये दूध लिया है, और इस दूध के अंदर हम केसर है उसकी दो चार पत्ती है वो भिगो के छोड़ देंगे। इसके अंदर इसका और भी बढ़िया टेस्ट है वो हमारे आएगा, तो इससे हमारी रेसिपी है वो और भी ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगी। इसको थोड़ी देर हम भिगो के इसी तरीके से छोड़ देते हैं। इधर ये हमारा हलवा है वो सिक्के तैयार हो चुका है। अभी तो मैं आपको इसको हलवा बता रही हूँ, आगे दिखाऊंगी कि क्या कैसे क्या बना रही हूँ मैं। ये इसने पूरा घी है वो देखिए छोड़ दिया है कितना। अब इसके अंदर ये मावा है, आज मैं इसमें दूध नहीं डाल रही हूँ, और इसके अंदर ये 150 ग्राम मावा है वो मैंने लिया है फ्रेश, और ये इसके अंदर डाल के और इसको और वापस दोबारा से फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। और ये मैंने एक कटोरी है ये चीनी ली है, और इसकी हम चाशनी बना के और तैयार करेंगे। पहले इसको पूरा तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमारा मावा अब इसके अंदर पूरी तरीके से मिल चुका है और अच्छे से ये फ्राई भी हो चुका है। अब मैंने चार इलायची है
वो कूट के तैयार कर लिया है और इस दूध वाले पेस्ट के अंदर ही इस इलायची के पाउडर को डाल दिया है। अब ये इसमें केसर का कलर है वो अच्छे से आ गया है और ये केसर का कलर है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अच्छे से, ताकि हमारा इसके अंदर केसर का इलायची का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और एक बार 2 मिनट हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। और हमारे ये जितने भी ड्राई फ्रूट, मैंने किशमिश भी भिगो के लिया है और किशमिश और काजू को दोनों को हम इसके अंदर अच्छे से मिला देते हैं, ताकि ये भी थोड़े से इसके अंदर फ्राई हो जाए, थोड़ा सा इसके अंदर खुशबू हो जाए अच्छे से सिकने की। तो 5 मिनट हम इसको और चलाएंगे। हमारा पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। और अब इसको हम गैस से उतार लेते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमें चीनी की सिरप बनानी है। बर्तन ले लिया हमने और इसके अंदर मैंने ये आधी कटोरी पानी का यूज़ करना है, इसलिए आधी कटोरी पानी है वो इसमें मैंने डाली है। अब ये एक कटोरी है पूरी ऊपर तक भर रखी है मैंने, ये इसके अंदर चीनी की डालनी है और इसको अच्छे से मेल्ट होने तक इसको खूब अच्छे से चलाना है। गैस को थोड़ा मैं कम कर देती हूँ अभी। जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती है, इसको हम एक बार इसी तरीके से छोड़ देते हैं। ये देखिए इसके अंदर कितना घी है हमारा, वो बाहर निकल चुका है। इसको आप चाहो तो इस घी को अलग भी कर सकते हो, क्योंकि चाशनी इसके अंदर जब डाली जाएगी तो भी ये घी है हमारा इसके अंदर से बाहर निकलेगा, इसलिए हम इस घी को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। चाशनी को हिलाते रहेंगे जब तक ये चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। इससे हम इस तरीके से चाशनी देखने का तरीका है वो आजमाएंगे। इस तरीके से हाथ पे ले लेते हैं और ये हमारा जब एक तार बनना शुरू हो जाए तो वो चाशनी हमारी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको हम इसी हलवे के अंदर डाल देते हैं ये पूरी तरीके से चाशनी, और इसको अच्छे से फेंट के फिर हम ये पूरी तैयार कर लेते हैं मिला के इसको। ये देखिए इसके अंदर केसर, इलायची, काजू, किशमिश, इन सब का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको इसी तरीके से मिलाएंगे जैसे हलवाई है वो घोटता है ना, उस तरीके से हम इसको और घोट के और पूरा अच्छे से मिला के फेंट लेंगे। ताकि चीनी और ये हलवा है इनकी सबकी अच्छे से खुशबू हो जाए इसके अंदर पूरे में। अब हमने थाली के ये घी है लगा के तैयार कर लिया है और इसके अंदर इसको सेट कर देंगे। आपको कितना इसको मोटा पतला रखना है उतनी ही लंबाई के अंदर इसको फैला के हम पूरा अच्छे से सेट करेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, नहीं तो उससे हमारी जो बर्फी की शेप है
वो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। ये पूरा हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसको अच्छे से, इसकी गार्निशिंग है, ऊपर से हमें चांदी वाली वर्क से करनी है ताकि इसका गेटअप है वो बहुत सुंदर आ सके। इस तरीके से हम ऊपर से चांदी से, चांदी की जो वर्क आती है मार्केट में, उससे तैयार कर लेंगे ताकि हमारी ये बाज़ार जैसी बर्फी है एकदम से बनके तैयार हो जाए और दिखने में भी सुंदर लगे। क्योंकि केसर, इलायची, पिस्ता ये सब तो हमने अंदर डाल दिया है। इस तरीके से हम ये चांदी की वर्क है वो इस पर यूज़ कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हवा में छोड़ देंगे। देखो ये बर्फी हमारी पूरी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसके हम जो भी आपको आकार के चाहिए वो हम इसके पीस बना लेते हैं। मेरी बर्फी है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बर्फी बनी है ये। और आप इसको खाते समय गर्म करके भी खा सकते हो तो इसका टेस्ट आपको और भी बढ़िया आएगा। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और इसमें अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।